हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमें 14 की तरह ही करना है, बस हमें जो नंबर्स दिए हैं वो थोड़े से चेंज है। तो देखते हैं कैसा करना है हमें से। आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास कुछ कॉइन्स है और उन कॉइन्स की अगर हम एडिशन करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो कितनी हो रही है 300। और डिनोमिनेशंस कैसे हैं, मतलब वो कॉइन्स से जो मिलकर 300 रुपीस बने हैं, तो वो कॉइन्स कैसे हैं। कुछ 5 रुपए के हैं, कुछ 2 रुपए के, कुछ 1 रुपए का। ₹1, ₹2 एंड ₹5 के डिनोमिनेशंस हैं। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज, हमें यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे लिखना है, राइट। तो यहाँ पर हमें दिया है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हैं, 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। मतलब क्या है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, 3 गुना है। 5 रुपए के कॉइन्स जितने हैं उससे 3 गुना। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 हैं। आपको बताना है कि हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने कॉइन्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट द 5 रुपीज कॉइन्स बी एक्स, क्योंकि हमें क्या दिया है, ये कंडीशंस भी हमें क्या किया है किसी और के फॉर्म में। जैसे 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स क्या हैं, 5 के जितने उसके 3 गुना है। तो हम पहले 5 को ले लेते हैं। 5 को हमें नहीं पता कितने हैं, तो हमने मान लिया सपोज एक्स कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, राइट। तो अब 2 रुपीज़ के क्या होंगे, सो द 2 रुपीज़ कॉइन्स बी, क्या बोला था उन्होंने, 3 times है। 3 times से मतलब कितना होगा, 3 into x, दैट इज 3x होंगे, राइट। 2 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे, 5 रुपए के कॉइन जितने हैं उसके 3 गुना। सपोज 5 रुपए के 10 कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज के 30 कॉइन्स होंगे, 3 गुना होंगे। तो यहाँ पर 3x ले लिया हमने, राइट। अब हमें क्या दिया है, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 160 है। अब एक बात आपको बताऊं कि हमें ये दो चीजों के तो बता दिए, लेकिन 1 रुपए के कॉइन नहीं बताए हैं, तो हम वो कैसे निकालेंगे। टोटल 160 में से अगर मैं ये नंबर ऑफ कॉइन्स को माइनस कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन बी 160 माइनस 3x माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। 160 में से ये भी और ये भी दोनों को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x, ये हमारा क्या आ जाएंगे, 1 रुपए कॉइन। हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हमें इस तरह के इक्वेशंस या वेरिएबल के फॉर्म में ही मिलेगी वैल्यूज, देन हमें इसे इक्वेट करना है, राइट। तो हमें क्या हुआ, देखो 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के 3x हैं, और 1 रुपी के जो बचे हुए थे, मतलब 160 में से हमने ये दोनों को माइनस कर दिया, तो हमें ये कितने मिल गए, ₹1 के कॉइन्स। अब हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि किसके कितने कितने कॉइन्स हैं। सपोज 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं, तो देयरफॉर द टोटल कॉइन्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 into x, एंड द टोटल कॉइन्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये 3x आएगा, और ये 2 रुपीज के हैं, मतलब 3 2 6x हो गया, राइट। एंड दैट ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे, 1 रुपी के कॉइन, 1 into हमारा ये जो है, मतलब 160 माइनस 4x, मतलब वही आएगा 160 माइनस 4x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताया है कि तीनों कॉइन्स मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं, 300 रुपीज। तो बस हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन से हमें इन तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करेंगे मतलब क्या होगा हमारा, ये 5x प्लस 6x, ठीक है, प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, क्योंकि हमारे पास सम कितनी है, कितने पैसे हैं टोटल, 300 रुपीज, राइट। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। 5 प्लस 6 कितना होगा, क्योंकि ये प्लस में है, वेरिएबल्स की एडिशन होगी अगर सेम वेरिएबल है, राइट। तो 6 प्लस 5 11 होता है, और 11 माइनस 4 ये हो गया हमारा 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म को यहीं रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके x के साथ वाले सारे नंबर्स को हमें अपोजिट साइड भेजना होगा, राइट। तो हम 7x को अपनी जगह ही रखते हैं, 300, और यहाँ 160 इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक बात याद रखना है, जो भी वेरिएबल के पास वाले नंबर हैं, अगर वो अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो अगर वो प्लस है तो माइनस होगा,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, 7x अपनी जगह पर, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 140। तो अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रखना है, 140 भी अपनी जगह पे, 7 को यहाँ से हटाना था, 7x के साथ मल्टीप्लाई में था, अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 7 से आप 140 को डिवाइड करोगे तो 7 1 7 और 7 2 14 और ये 0, मतलब 20 जो है ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20 हमारा आ गया। अब बस हमें पता चल गया है कि x की वैल्यू 20 है, तो हमने यहाँ पर जो कंसिडर किया है वो हमें पता चल जाएगा। तो 5 रुपीज कॉइन कितने होंगे, कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू x था मतलब 20 कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कितने थे, 3x थे मतलब 20 × 3 मतलब 60 कॉइन्स थे, राइट। और हमारा लास्ट में क्या बचा, इन दोनों की एडिशन से माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 160 माइनस 4x था, बस वैल्यू पुट करेंगे 160 और 4x तो माइनस 4 × 20 मतलब कितना हो गया, 160 माइनस 24 = 80, तो ये कितना बचा, 80। तो 80 कॉइन्स किसके थे, 1 रुपीज के। आप चाहें तो इनकी एडिशन करके हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए 60 + 20 कितना हुआ, 80, और 80 + 80 160। हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 160, तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, जिससे हमें पता चला कि 5 रुपीज़ के कॉइन 20 थे, 2 रुपीज़ के कॉइन 60 थे और 1 रुपीज़ के कॉइन 80 थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।